हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं, मतलब अभी मैं मेरे मौसी के घर पर हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज हम जाने वाले हैं पारादीप, वहाँ पर घूमने के लिए। और मेरे साथ मेरे दो बहनें भी जाने वाले हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं, यहाँ से पहले बस पकड़ेंगे, उसके बाद चलेंगे, हमारा जो लोकेशन है वहाँ पर। तो आइए चलते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं मेरे दो बहनों के साथ। तो यहाँ पर जस्ट बारिश हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा गीला है चारों ओर। अभी हम घर से तो निकल चुके हैं, अब जाएंगे हम हमारा जो बस स्टैंड है वहाँ पर, वहाँ से बस पकड़ कर जाएंगे। कितना देर लगेगा पहुँचने के लिए? आधा घंटा लगेगा। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड पर और वहाँ से बस पकड़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पर बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं और हम यहाँ से जाएंगे अभी रिक्शा पर। तो चलिए चलते हैं, रिक्शा में बैठते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे व्यूज़ आपको दिखाना है आज। तो चलिए चलते हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत धूप यहाँ पर है और समंदर के किनारे अब जा रहे हैं हम सब। और ऑटो वाले ने बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहूँ, कुछ ज़्यादा ही पैसा ले गया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पर आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ से अब हम चलकर जा रहे हैं वहाँ पर और बीच के किनारे जाते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या पता है। लेकिन ये जो टाइम पर हम आए हैं ना, बहुत मतलब गंदा टाइम है, मतलब क्या बताऊँ, मैं ठीक से देख ही नहीं पा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइट हाउस है और यहाँ से भी एंट्री है यहाँ पर, और सीधा यहाँ पर सी भी। यहाँ पर हम पारादीप के जो सी बीच पर है वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर और कुछ दिनों के बाद, मतलब एक या दो ईयर के अंदर, ये बता रहा है कि गोवा का लुक इसको देने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है और हम यहाँ पर चल रहे हैं, ये दोनों भी चल चल के आ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत धूप है यार। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमारा जो बीच के साइड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाज भी यहाँ से जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जहाज जा रहे हैं, क्योंकि ये जो साइड है यहाँ पर, वहाँ पर हमारा पारादीप का पोर्ट है, तो बहुत सारे जहाज यहाँ से जा रहे हैं। ये दोनों यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अंदर, लेकिन क्या करें, बहुत इतना अच्छा टाइम पर हम आए हैं कि क्या बताऊं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चेयर रखा हुआ है, इनमें टिकट लेते हैं यहाँ पर, और जो टिकट लेते हैं वो पीछे वो जो अंकल बैठे हैं वहाँ पर टिकट लेते हैं, एक घंटे के लिए एक चेयर के दो, मतलब कितना, 20 रुपया लेते हैं। तो देखते हैं क्या करना है हमें और वहाँ पर बैठना है कि नहीं बैठना है, आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन पहले तो आप व्यू जस्ट एंजॉय कीजिए। तो गाइस यहाँ पर हम लोग फाइनली एक तीन चेयर ले चुके हैं यहाँ पर और बैठे हुए हैं। क्या करना है, कुछ यहाँ पर नहीं है, बस समंदर को देखते ही जा रहे हैं। और पानी के बीच में तो नहीं जा सकते क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद हम और एक जगह पर जाएंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से व्यू दिखाऊँगा।
तो गाइस यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है सी बीच का, मतलब सी बीच से हम आ चुके हैं, पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा गए हैं, बस पैर धोने के लिए गए थे और अब वापस जा रहे हैं। और वापस का बहुत बढ़िया सीन यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से हम अभी जाएंगे जो एक्वेरियम है वहाँ पर, मुझे लगता है जहाँ तक टाइम हो चुका है उसका बंद होने का, देखते हैं क्या होता है, बंद हुआ है कि अभी खुला हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, अगर जाएंगे तो अच्छा मज़ा आएगा, नहीं तो यहाँ से फिर से घर पर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आपका सीन देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे दुकानें हैं और वहाँ पर हमारा भारत का झंडा है और वो रहा हमारा लाइट हाउस, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर हम रास्ते पे चल चल कर जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक्वेरियम इधर की साइड है वो अभी बंद हो चुका है, तो 5 बजने वाले हैं तो बंद हो चुका है वो। अब आने वक्त जब आए थे हम तब रिक्शा में आए थे और बहुत पैसा लिया था उसने, इसलिए हम चल कर जा रहे हैं, बहुत पास में ही है, बस बस स्टैंड बहुत पास में ही है। तो गाइस डायरेक्ट बस स्टैंड पर मिलते हैं। तो गाइस वहाँ से हम चलकर जस्ट आए हैं क्योंकि आपको बस एक व्यू दिखाना था जो मेरे सामने अभी है, तो आप जस्ट व्यू एंजॉय कीजिए यहाँ का। गाइस जस्ट ये चेक करिए, ये है पारादीप का पोर्ट और यहाँ पर सारा कोयला आता है और जहाज के द्वारा आता है और यहाँ से फिर से समंदर में चला जाता है और उस तरफ हमारा और भी बहुत बड़ा पोर्ट है। ये तो बस एक तरफ का है और उस दूसरे तरफ का बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा हमारा पारादीप का पोर्ट ये रहा। और सामने एक बहुत बड़ा सीप भी खड़ा हुआ है जिसमें कुछ सामान आ रहा है और एक छोटा सा सीप भी वहाँ पर है, आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर सनसेट होता हुआ आप देख सकते हैं और इस तरफ यहाँ पर पोर्ट है, पोर्ट का यहाँ पर एक गेट है और लेकिन यहाँ पर सनसेट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अगर हमको बीच पर दिखता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन बैड लक था। तो गाइस चले चलते हैं, हमारा जो बस स्टैंड है वहाँ पर चलते हैं, उसके बाद वहाँ से मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बस के अंदर आ चुके हैं और एक हमें नया बस मिला है लेकिन पूरा खाली है अभी बस, तो ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं भी यहाँ पर बैठूंगा अभी। अभी हमें घर पहुँचने में कितना बस लगेगा, 45 मिनट लगेगा, उसके बाद आएगा मतलब हमारा घर आएगा। तो चलिए चलते हैं, एक नया बस आप देख पा रहे होंगे, तो चलिए क्या कैसा एक्सपीरियंस होता है मैं बस से उतर के आपको बताता हूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो चलिए क्या खाना में हम ऑर्डर किए हैं वो आप जरूर देखना। और फिलहाल ये दोनों मुझे ऐसे ही देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक और ये दो बहुत थक चुके हैं यहाँ पर, सारे हम तीनों का वेट भी डाउन हो चुका है, बस यहाँ पर खाना खाएंगे और घर जाकर सो जाएंगे। तो गाइस जब खाना आएगा तब मिलते हैं आपसे। तो गाइस यहाँ पर हमारा खाना सब आ चुका है, यहाँ पर नान है और यहाँ पर चिकन है, चिकन बटर मसाला, और ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं जस्ट खाना अभी खाने वाले हैं अभी, तो खाने खाकर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और आपको मैं बता दूँ कि ये वाला ब्लॉग मैंने करीब करीब दो हफ्ते के पहले ये ब्लॉग शूट किया था, लेकिन इसको एडिट करके अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि बीच में हमारा आ गया था दशहरा आ गया था, तो थोड़ा काम में बिज़ी हो गया था तो ये ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाया था। और जब ये ब्लॉग मैंने शूट किया था तब मैं इसका आउट्रो ही लेना भूल गया था, तो अब जाकर मैं आउट्रो ले रहा हूँ, अभी जस्ट एडिटिंग ख़त्म हुआ है, बस ये वाला क्लिप उसमें जोड़ना है और ब्लॉग आ जाएगा आपके पास। तो गाइस ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, अगर अभी तक
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बाजू का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो गाइस ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, तो मिलता हूँ एक किसी और ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।